तो अभी मैं आया हूँ फाइनली ब्लैकवुड कैफे। तो अभी चलते हैं अंदर। ओह सॉरी, पहले सैनिटाइज करना है। ठीक है, सैनिटाइज कर लिया। तो फाइनली, तो अभी मैं ब्लैकवुड एंटर कर चुका हूँ, तो अब जाके मैं ऑर्डर करूँगा। ठीक है, ऑर्डर करता हूँ, आपको मिलता हूँ उधर। तो मैं आपको पूरा ओवरऑल व्यू देता हूँ, बैठने का सीटिंग एरिया कैसा है। बहुत अच्छा है। ये रही बुक्स वाली शेल्फ। अगर आप जब तक ऑर्डर रेडी हो रहा है, आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। और ये लूडो, स्नेक एंड लैडर, आप ये भी खेल सकते हो। ये जो फ्रेश डो, जिसके लिए मैं बोल रहा था आपको, मैक्सिमम जगह पे ये फ्रेश डो नहीं मिलता, और खासकर जो रेट भैया प्रोवाइड करते हैं इसमें नहीं मिलता है। तो फाइनली टॉपिंग रेडी हो गई है और ये नूडल चुका है। और रेटिंग वगैरह जब खाऊंगा तब बताता हूँ साथ साथ में। तो ये रहा ओवन और ये हमारा पिज्ज़ा अंदर तैयार होने के लिए चले गया। रेगुलर पिज़्ज़ा लगभग रेडी हो गया, बस बाहर आने वाला है। फाइनली हमारा डो और पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ओहो, ये गर्म होगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ये रेडी हो चुका है। ओहो, मुंह में पानी भी आ रहा है साथ साथ में। चलो, तो फाइनली आज हम आए हैं ब्लैकवुड कैफे में। ये जो बनाई रोड पे है, सुकीनार के बिल्कुल पास में है, तो बहुत सही जगह है। और यहाँ पे पिज्जा वगैरह, पिज्जा तो मेरा फेवरेट है ऐसे भी, पिज्जा इज लव। तो आज पिज़्ज़ा ट्राई करने आए हैं, तो अभी खाते हैं, साथ साथ में आपको बताते जाते हैं कि क्या क्या हिसाब है। और ऑर्डर जो मैंने दिया था वो आ चुका है, तो अभी खाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली जो मेरा ऑर्डर था वो आ चुका है, तो जो मेरा रेगुलर साइज पिज़्ज़ा था, तो मैं आपको टेस्ट करने के बाद बताता हूँ कैसा लगा मुझे। तो थोड़ा सा केचप के बिना ही पहले ट्राई करता हूँ। ये रहा फर्स्ट बाइट ले रहा हूँ। और सबसे सही बात जो है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, ये जो डो है ये खुद बनाते हैं पहले, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सही टेस्ट है। आपने बहुत जगह पिज्ज़ा खाया होगा, यहाँ पे ज़रूर आके चेक करना, भैया का कहते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बुक्स वगैरह अवेलेबल है, अगर दालों वगैरह लूडो वगैरह भी खेल सकते हो आप। ठीक है, तो अभी अभी को हम आराम से खाते हैं। मेरे को स्पेसिफिकेशन तो पता नहीं है किस तरीके से बनाया जाता है, बट काफ़ी अच्छा है। और अगर स्पेशली यहाँ पे आओगे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और खाने वाली वीडियो है जो फूड लवर है ना, कमेंट में ज़रूर बताना आके कि कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो बहुत पसंद आया। अब मैं अगर रेटिंग दूंगा तो मैं 5 में से 4.5 डन पूरी, 4.5 काट लेते हैं, क्योंकि डिटोल भी 99 कुछ काटता है ना, तो थोड़ा सा काट लेते हैं बाद में, आप कुछ मिस्टेक निकालो। तो हाइजीन वगैरह, तो हाइजीन वगैरह प्रॉपर, हाइजीन का कोई इशू नहीं है, हाइजीन का तो कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर है। जो ऑनर है वो खुद मास्क डाल के सैनिटाइज करके ही बैठते हैं हर टाइम। और जो हमारा पिज्ज़ा का सवार अभी हमारा नया पिज्ज़ा एक और आ रहा है जो मीडियम साइज वाला है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ डलवाई है, तो वो खाते हैं उसके बाद। उसके बाद मिलते हैं। हाँ, तो ये आ गया मेरा मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा। तो पहले मैंने रेगुलर, जो वीडियो में आपको बताया वो मैंने रेगुलर खाया। ऐसे मैं जनरली रेगुलर खाता नहीं हूँ, क्योंकि बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा में चीज़ वगैरह और टॉपिंग अच्छे से आती है, इस वजह से
मैं थोड़ा लार्ज साइज ही प्रेफर करता हूँ इसका, बहुत टेस्टी होने वाला है। अब आपको सिर्फ टेबल पर मिलेंगे। तो हमने रेगुलर साइज़ पिज़्ज़ा हमने खा लिए हुए हैं, तो अब ये मीडियम साइज़ है जो मेरा फेवरेट है, तो अब हम वो खाएंगे। चिली फ्लेक्स सिर्फ अपने में डालिए, हमारे में नहीं डालिए। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट और ये फेवरेट पिज़्ज़ा है, तो इसको अब ट्राई करते हैं। और साइज़ ज़बरदस्त है, जिस कॉस्ट के हिसाब से है उस हिसाब से साइज़ बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन से थोड़ा ज़्यादा ही लगा लो आप। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा स्टार्ट हो गया हुआ है। अब ज़्यादा देर ना करते हैं क्योंकि ये लोग खा लेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है चलो। तो ये ऑरिगैनो डाल रहा है और ये जैसे वो नमक डालता है, तो अभी ट्राई नहीं कर सकता मैं, सॉरी। फाइनली पिज़्ज़ा का लास्ट बाइट, लास्ट पीस रह गया हुआ है, बाकी जिन लोगों ने खा लिया जो आए थे साथ में। मैं 5 दे देता हूँ, मैं बोलते हैं 5 ही दूंगा, थोड़ी बहुत कमी तो आप निकाल लोगे उस वजह से। और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है यार। चीज़ फ्राइज बन रही है, ये चीज़ ड्रेसिंग और लिक्विड चीज़, हमारी कॉफ़ी। ओह, तो ये मशीन के हिसाब से ये 3 लेयर बनाएगी, मिल्क, कॉफ़ी और क्रीम अलग अलग हो जाएगी। सो नाइस, ज़बरदस्त। ये दिखना भी स्टार्ट हो गई है, आपको भी दिख रही होगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था वैसा हो रहा है। इस मशीन में कॉफ़ी बीन्स फ्रेशली ब्रूड होकर कॉफ़ी आती है, और हम कोल्ड कॉफ़ी में वही वाला एस्प्रेसो शॉट यूज़ करते हैं। मशीन में एस्प्रेसो का शॉट निकाल के कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। तो फाइनली जो भी मेरी वीडियो देखिए वाली वीडियो जो फूड वाली है, ये वीडियो देख के जो भी यहाँ पे ब्लैकबोर्ड आएगा उसको यहाँ पे 10% डिस्काउंट ओनरशिप, जो मेरा नाम लेगा चैनल का उसको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये फूड ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। और ये फूड ब्लॉग को लाइक्स अच्छे से देना यार, प्लीज़ फूड इज़।